Assalamualaikum everyone hope you all are doing well and welcome back to another cooking story कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगी तो चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ जिसमें मैंने आपके साथ आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करनी है जो कि बहुत इजीली और बहुत ही हेल्दी वे में जो है वो बन जाती है और जो स्पेशली डाइट करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है तो चलते हैं यहाँ पर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं लेकिन आपने ब्लॉग को एंड तक देखना है ताकि आपको प्रॉपरली समझ आए कि आपने किस तरह से इसको रेडी करना है किस तरह से आपने इसको मैरिनेट करना है और फिर किस तरह से आपने इसको कुक करना तो इसलिए आपने ब्लॉग को एंड तक देखना ताकि आपको प्रॉपरली समझ आए बहुत ज़बरदस्त बहुत ईजी रेसिपी है अगर आपके पास भी चिकन ड्रम स्टिक्स हैं तो आप ईज़िली बना सकते हैं मैंने यहाँ पर चार ड्रम स्टिक्स ली हैं और इनको कुछ इस तरह से कट करना है ये मैं आपको कट करना भी सिखाती हूँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और समझने वाला पार्ट है तो ये मेरे पास ड्रम स्टिक है ऊपर वाली साइड से नहीं है नीचे वाली साइड से हमने इसे कट करना है तो कभी भी आप इसको ऊपर वाली साइड से कट नहीं कीजिएगा इसके लिए जो नाइफ़ है वो थोड़ी शार्प होनी चाहिए और मीट जो है वो प्रॉपरली वॉश हो तो आपने हल्का हल्का सा करके इसको दरमियान में सबसे पहले जो है वो कट लगाना है हल्का सा आपने कट लगा लेना है और कट लगाने के बाद फिर आपने इसको जो है वो बिल्कुल नीचे बोन तक कट लगाना है ताकि ये अच्छी तरह से यहाँ से खुल जाए जो नीचे बोन से कट लगाता है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा स्किन वाला पार्ट होता है तो वो थोड़ा सा मसला करता है अदरवाइज़ आपने इस तरह से करते हुए बोन के साथ से भी मीट काफ़ी जो है वो डी बोन करना है ठीक है उसको भी काफ़ी आपने जो है वो उतार लेना है सेपरेट नहीं करना लेकिन इतना करना है कि मीट और जो बोन है वो साइड से सेपरेट हो जाए तो इसकी शेप जो है वो कुछ बटरफ्लाई की शेप बन जाती है इस तरह से हल्का सा पहले इसको कट करेंगे और कट करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपने कसाइयों वाले काम करने हैं और जो मीट है उसको डी बोन करना है इतना कि जो हड्डी है उससे गोश्त जो है वो साइड साइड पर हो जाए तो इस तरह से करके आपने आगे करना है और मीट मीट को जो इस तरह से बना लेना बटरफ्लाई की शेप में आ जाए तो फिर इसको मैरीनेट करना मैरीनेट पर वन टी स्पून सॉल्ट वन टी स्पून रेड चिली पाउडर पेपरिका पाउडर वन टी स्पून ऐड करनी है इसके अंदर ये थोड़ा तो सा स्पाइसी बनता है तो ही अच्छा लगता है अनियन पाउडर ऐड करेंगे वन टी स्पून और गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे ये भी वन टीस्पून ये ऐड करके फिर इसके अंदर ऐड करनी है मस्टर्ड पेस्ट तो स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं जाते मिनिमल से स्पाइसेस आते हैं लेकिन ये बहुत अच्छा बनता है फिर इसके अंदर ऐड किया मैंने यहाँ पर बफलो सॉस ठीक है बफलो सॉस इसके अंदर वन टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट भी वन टेबल स्पून और टू टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया यहाँ पर ऑयल ये ऐड करके आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे स्पाइसिस नहीं जाते अब अगर यहाँ पर आप बच्चों के लिए बनानी हैं तो फिर आप स्पाइसेस कम कर सकती हैं लेकिन अदरवाइज ये थोड़ा स्पाइसी ही बनता है फिर ही इसका टेस्ट अच्छा आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसके अंदर नहीं जाने होते सिर्फ रेड चिली पाउडर स्पाइस के लिए पैप्रिका डाली है साथ ही क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्पाइसी होती ही नहीं है तो सॉल्ट डाला है और बस बाकी गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर तो अच्छी तरह से आपने इसको मैरिनेट करना है कि इसके अंदर तक जो है वो आपके पास मैरिनेशन जो है वो अच्छी तरह से चला जाए और इसकी बैक साइड पर भी तो प्रॉपरली आपने इसको भर भर के अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है अच्छी तरह मतलब प्रॉपरली जितना आप इसको अच्छी तरह मैरिनेट करेंगी उतना ही अच्छा इसके अंदर जो है वो टेस्ट आएगा तो इस तरह से आपने प्रॉपरली इसको मैरिनेट कर लेना है और मैरिनेट करने के बाद आपने इसको छोड़ देना फ़ॉर अबाउट वन और टू आवर्स मैरिनेट करने के बाद इसको आप दो तरीके से जो है वो बना सकते हैं अभी तो ये जो है वो मैं आपके साथ शेयर करी हूं। आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि इसका दूसरा मेथड क्या है आपने सबसे पहले तो जिस मेथड से मैं बना रही हूँ उसका मैं आपको बता दूँ कि आपने एक पैन लेना है बड़े साइज का उसके अंदर आपने टू टेबल स्पूंस के जितना ऑयल ऐड करने के बाद इस तरह से इसको जो हमने कट किया है उसको ओपन करते हुए खोलते हुए इसके अंदर रख देना है और इसको लो मीडियम फ्लेम के ऊपर हम लोगों ने कुक करना है मेक श्योर कि जो साइड्स हमने कट की हैं वो बाहर ही होनी चाहिए तभी इसकी शेप जो है वो बटरफ्लाई की शेप में आएगी ठीक है अब ये थोड़ा सा पकने के बाद जो है वो मीट होता है तो ये हो सकता है कि आपको लगे कि ये जो है वो हमने जो साइड्स कट की थी विंग्स बनाए थे वो बंद होना शुरू हो गए हैं तो इट हैपन्स आपने परेशान नहीं होना तो इस तरह से आप लोगों ने इसको कर लेना है और आफ़्टर फाइव मिनट्स लो मीडियम फ्लेम पर हम कुक करें फ़ाइव मिनट्स इसकी साइड्स जो है वो हमने चेंज करना स्टार्ट कर देनी है फ़ाइव टू एट मिनट्स के बाद तो ये देखें मीट यहाँ पर हार्ड हो गया था और वो बहुत ज़्यादा नहीं खुल रहा था ट्राइंग टू शो यू तो इस तरह से इसकी शेप बन जाएगी इसी तरह से आपने हर एंगल से अगर आप पैन में कुक कर हैं तो इसको कुक कर लेना है अंटिल तो इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो जाए ठीक है प्रॉपरली आपने इसे पकाना है कि मीट जो है वो अंदर तक जो हमारे पास चिकन है वो पक जाए क्योंकि ये ड्रम स्टिक्स हैं तो ये पकते हुए भी टाइम लेती हैं और ये अंदर से कच्ची रह जाती हैं ब्लड आता है तो इसलिए आपको इसको ज़्यादा टाइम के लिए पकाना पड़ेगा तो यहाँ पर इस तरह से करते हुए हम लोग उसको कुक कर लेंगे अंटिल इसके ऊपर हर एंगल से ये प्रॉपर्ली पक जाए अंदर तक और इसके ऊपर कलर आ जाए फिर यहाँ पर हम लोग जो मेरे पास लेफ्ट ओवर मैरिनेशन था वो मैं इसके ऊपर इस तरह से बेस्टिंग कर रही हूँ आपने भी इस तरह से बेस्टिंग कर लेना लेफ़्ट ओवर मैरिनेशन को कभी भी वेस्ट नहीं करना इस तरह से अगर आप कर दें तो इसका टेक्स्चर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और जो लास्ट में हमारे पास रेडी होती है ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा जूसी बनती है तो अच्छी तरह आपने इसे पका लेना है हर एंगल से करते हुए आपने इसको कुक करना है मेक श्योर कि आप हर तरफ़ से इसे कुक करें और अगर पॉसिबल हो तो आप इसको कुछ देर के लिए कवर भी कर दें कवर करने से ये होगा कि अंदर से ये जूसी और टेंडर रहेगा और आपके पास जो ड्रम स्टिक्स हैं वो जल्दी बन जाएंगी तो देखें किस तरह से इसके ऊपर मार्क्स आ रहे हैं जैसे ये ग्रिल हुआ हुआ है तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है आप इसको ग्रिल भी कर सकती हैं लेकिन इसका एक और मेथड है वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ पहले ये अच्छी तरह से हमारे पास डन हो जानी चाहिए और स्लो को करते हुए यहाँ पर ड्रम स्टिक्स रेडी हो गई हैं तो इनको हम डिश आउट कर लेंगे और डाइट कॉन्शियस लोग इसको या तो बारबेक्यू ग्रिल पे ग्रिल कर सकते हैं और यू गाइस कैन बेक इट एट 200 हंड्रेड डिग्रीज टेम्परेचर फॉर 30 टू 35 फाइव मिनट्स ये बहुत मज़ेदार बन के रेडी होती है बच्चों के लंच बॉक्स में हाई टी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग और छोटे से व्लॉग में मैंने बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर की है आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में थैंक यू सो मच टेक केयर एंड अलाफ एस